अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अफजाल अहमद है, मैं गुजरात सिटी से बिलोंग करता हूँ। मेरा गेमर टैग TDS है। मैं 16 साल की उम्र से गेम्स खेलना शुरू किया मैंने, तो मुझे फाइटिंग गेम्स बहुत पसंद थी। उनमें से मुझे Tekken 3 अच्छी लगी। Tekken 3 से मैंने अपना Tekken का करियर स्टार्ट किया, तो ऐसा ऐसा जो जो मेरे दोस्त के गेम खेलते थे, तो जो जो Tekken के नए वर्जन सामने आए तो मैंने उनको खेलना स्टार्ट किया। Tekken में से जो मेरी सबसे फेवरेट Tekken सीरीज़ में जो अच्छी Tekken वर्जन रहा है, वो Tekken Tag 2 था। तो बाकी इसमें से आजकल Tekken 7 खेल रहा हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छे प्लेयर्स के साथ खेलता हूँ। अपने सिटी में बहुत इसका कंपटीशन है, हम आपस में एक दूसरे को सिखाते हैं, अच्छे तरीके से खेलते हैं और चाहते हैं कि हमारी गेम इम्प्रूव हो, ताकि हम इंटरनेशनल लेवल पर ख़ुद को परफॉर्म कर सकें और दूसरे प्लेयर्स को डिफीट कर सकें। मैं प्रोफेशन से पैरामेडिक हूँ। अपनी ड्यूटी से फारग होकर डेली के 2-3 घंटे मैं Tekken को देता हूँ। तो जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन अपना मैक्सिमम टाइम, कुछ टाइम प्रैक्टिस में 2-3 घंटे, कुछ टाइम अपने दोस्तों के साथ चैलेंजेस में गुजर जाते हैं। इसलिए जब हॉलीडेज़ में ना मैं 6 से 7 घंटे तकरीबन गेम खेलता हूँ। तो जब से पाकिस्तान में इंटरनेशनल इवेंट्स शुरू हुए हैं, टकरा कप जैसे हो गए, इधर इंटरनेशनल लेवल पे प्लेयर्स ने बड़ा अच्छा कम्पीट किया था, तो तब से पाकिस्तान का स्कोप जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा जाना जाता है। तो अभी हमारे मुल्क में जो अच्छे प्लेयर्स हैं, लाइक आतिफ भट्ट है, अरसलान है, शवैस हनी, द जॉन, इनको जो है ना मैं इनके साथ खेलना बहुत ख्वाहिश है मेरी कि मैं इनको कम्पीट करूं इनके साथ, इनको टफ़ टाइम दूं, ताकि मैं इनको बीट करके अपने आप को खुद को प्रूव कर सकूं इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए। तो इनको कम्पीट करने के बाद, डिफ़ीट करने के बाद, मैं चाहूँगा कि इंटरनेशनल लेवल पे मैं खेलूँ, उल्सन के साथ खेलूँ, उसके साथ खेल के। वो मेरा बहुत फेवरेट प्लेयर है और मैं चाहता हूँ कि मैं उसके अगेंस्ट खेलूँ। जियोंडिंग मेरा बहुत अच्छा प्लेयर है, वो मेरा फेवरेट प्लेयर है, मैं चाहता हूँ कि मैं उसके साथ खेलूँ, उसको डिफ़ीट करके मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। और अगले 2-3 सालों में मैं चाहता हूँ कि ये जिस तरह पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, तो अगले 2-3 सालों में मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान जो है ना वो इंशाल्लाह काफ़ी आगे तक जाएगा, तो बाकी कंट्रीज़ को भी डिफ़ीट करेगा और सबको टफ़ टाइम देगा इंशाल्लाह।